पंजाब का एक भाग गुरुओं से संबंधित इनको नमन करता हुआ चराचर विश्व स्वरूप आए समस्त विद्यमान अविद्यमान चिदानंद रूप शिव को स्वामी ध्यान जैसे का प्रणाम स्वीकार हो। उद्बोधन और वक्तव्य हो रहे हैं। चंडीगढ़ यानी माँ चंडी का गढ़। आज हम सब यहाँ हैं। अभी देवेंद्र बर्मन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और सपना से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे एक गुरु हो, तीन गुरु हो, चार गुरु हो, जब तक तुम परिपूर्ण नहीं हो जाओगी तब तक 24 गुरु तुम्हें अवश्य मिलेंगे। अनुराग कौशिक जी यहां आए, उनकी वाणी में शनि और शुक्र का प्रभाव था। नरेंद्र जी आए, उनकी वाणी में शुक्र और बुध का प्रभाव था। ज्योतिष केवल कुंडली देखने का माध्यम नहीं है, ज्योतिष आपको सोना सिखाता है, उठना सिखाता है, बैठना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है, लड़ना सिखाता है, युद्ध की रणनीति सिखाता है, आपको जीवन में क्या करना है ये सिखाता है। और आज बात चली थी मंत्रों की और अभी भी मंत्रों की। कौन कहता है कि मंत्रहीन मंत्र जो हैं वो शक्तिहीन हो गए हैं? हमें मालूम ही नहीं है कि मंत्रों की शक्ति को जागृत कैसे करना है। यहां जितने भी देवज्ञ बैठे हुए हैं, कौन कौन चाहता है कि उनकी आभा को देखकर लोग उनके पास खींचे चले आए? लीवर की प्रॉब्लम सूर्य से ही आती है। अधिकार क्षेत्र है सबके। इस आग के फूल में जब फूल आ जाएं तो फूलों को तोड़ लीजिए और एक एक पत्ती करके, अगर वो फूल रखे हो तो जा देंगे। ये देखिए एक फूल है, इसकी एक एक पत्ती को हटाइए। ये देख रहे हैं बीच में एक चीज बची है डंडी, ये बीज है। इस बीज को आप सुखाकर रख लीजिए। ये पीलिया की बहुत ही सुंदर और अच्छी दवा है, मगर इसमें एक शर्त है, आप जिसका इलाज करेंगे उससे पैसे नहीं लेंगे। ये कार्य आपका दान पुण्य का कार्य होगा। और इसको देना कब है? रविवार के दिन एक मीठा पान अपने खर्चे से मंगवाइए, उसमें डालिए और उस व्यक्ति को खिला दीजिए। कहीं उसको खाली पेट बुलाइएगा और जब वो खा ले तो उससे कहना अपने घर जाओ और आज पूरे दिन कढ़ी का सेवन कीजिए। चपाती नहीं, चावल नहीं, केवल कढ़ी। और आप दो बार दे दीजिए, कैसा भी पीलिया हो वो दूर हो जाएगा। मित्रों, सुनने के लिए आपके पास समय कम है, मुझे भी सीमा में बांधा हुआ है, मगर इतना अवश्य कहूंगा, आप परमात्मा हैं, आप ही आत्मा हैं, आप ही परमात्मा हैं। और यहां तो स्पष्ट रूप से कहा कि ना पुण्यम ना पापम, ना सुखम ना दुखम, ना मंत्रम ना तीर्था, ना वेदो ना यज्ञ, अहम भोजन
नैव च भोज्य भोक्ता चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ना मैं पुण्य हूं, ना मैं पाप हूं, ना मैं सुख में हूं, ना मैं दुख में हूं, ना मंत्रों में हूं, ना वेदों में हूं, ना तीर्थ में हूं, ना यज्ञ में हूं, ना मैं भोजन करता हूं, ना मैं भोजन बनता हूं, मैं तो सच्चित आनंद रूप शिव हूं, शिव हूं, शिव हूं। मित्रों, सबसे बड़ी बात देवज्ञ हैं। अगर आप गुरु नानक जी को मानते हैं, गुरुवाणी को मानते हैं, तो गुरुवाणी की साधना कीजिए। अगर आपका प्रेम मां भगवती में है तो मां भगवती का प्रेम कीजिए। अगर आपको कोई समझ नहीं आता तो अपने गुरु से ही प्रेम कर लीजिए। और मैं तो उनमें से हूं, पंजाब की भूमि पे हूं, तो बात यही करूंगा कि जित बैठे जित बिठरावे उत में बैठूं, जित बिठरावे उत में बैठूं, जो पहिरावे सोई सोई पहनूं, और उनकी मेरी प्रीत पुरानी, और बेचे तो बिक जाऊं मैं, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा। मेरे ख्याल में किसी के गुरु है ही नहीं, सब निर्गुरु हैं। जो अपने गुरु के लिए मदमस्त नहीं हो सकता, जो अपने गुरु के नाम के साथ नहीं चल सकता, वो निर्गुरा ही है। नारद जी भी निर्गुरे थे पहले। सबसे पहले तो ये देखिए कि उसको कष्ट है, क्यों है, और उस कष्ट का निवारण होगा या नहीं होगा। कुंडली में, उस लग्न चार्ट में, चंद्र चार्ट में ये तो देख लीजिए कि कहीं उसको अपने कर्मा का फल तो नहीं मिल रहा। और याद रखिए, आप ईश्वर नहीं हैं, मैं ईश्वर नहीं हूं। हम मार्ग दिखा सकते हैं, मगर अपने अपने कर्मों का फल तो हम सबको उठाना ही पड़ेगा। किसी के कर्मा में अगर आप टांग अड़ाएंगे, अपना यंत्र, अपना मंत्र, अपनी पूजा, लोग कहते हैं हमने उसके लिए करवाया, देवज्ञ तो नहीं कहते। मगर आप जैसे उसे जो दिखा के आता है, वो संत कमल किशोर जी के बाबूजा जी, उनसे मैंने करवाया भी, 20,000 रुपए भी दिए, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे थाईलैंड में कुछ लोग मिले, अभी मेडिटेशन योग करा के आया हूं, कह लें जी हमने 51,000 रुपए दिए, 2-2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली, और सेलिब्रिटीज हैं। मैं कहा भैया तुमने उनका कर्जा देना होगा, तो कर्जा चुका दिया। यहां पर हम जो दे रहे हैं, जो ले रहे हैं, कर्ज वसूल रहे हैं और कर्ज चुका रहे हैं। सबसे बड़ी एक चीज होती है कुंडली में, देखिए कि जिस बात की, जिस समस्या का वो निदान मांगने आया है, क्या उसका प्रॉमिस उसकी कुंडली में है या नहीं है। 22 साल से किसी को बच्चा नहीं है, आया कह लेंगे महाराज बच्चा नहीं हो रहा। भाई एक बार उसकी कुंडली में, उसके मस्तक पे, उसके सामुद्रिक शास्त्र ये तो देख लो कि उसके भाग्य में इस चीज का प्रॉमिस है या नहीं है। अगर प्रॉमिस ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। और या फिर ऐसा संत हो जो एक रोटी में एक बालक दे दे, 2 रोटी में 2 दे दे, और 10 में 10 दे दे। और ऐसा अनन्य भक्त बिरले ही है, बिरले ही है। तो मित्रों, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आप देवज्ञ हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको अपनी मूल रचनाओं को, वेदों को, पुराणों को पढ़ना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, और अपने ईष्ट को मजबूत करो। और जब आपके ईष्ट मजबूत होंगे
तो यकीन मानिए अगर गलत कुंडली भी पेश होगी, मगर टेलीपैथी से जो आपके वाक्य निकलेंगे वो वाक्य है, ब्रह्म वाक्य होंगे। तो मित्रों, एक प्रार्थना की बात आई थी, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मैं जानता हूं देवज्ञों को कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। मैं बीमार हूं, मैंने प्रभु से एक ही बात की, प्रभु जितना कष्ट देना है दे दे, कोई कर्मा बाकी ना रह जाए, पिछले जन्म का हो इस जन्म का हो दे दे, मगर एक कृपा करना कि अंतिम श्वास तक तेरा सुमिरन और तेरा धन्यवाद करता रहूं। और मैं समझता हूं यहां देवज्ञ जितने बैठे हैं अभी सबने भोजन किया है, 1% ने भी भोजन से पूर्व उसको याद नहीं किया, उसका शुक्राना अदा नहीं किया है। और जब तक शुक्राना करना नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। और अपने शब्दों को विराम दूंगा इस श्लोक के साथ कि प्रार्थना अपने लिए नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, कल्याणमस्तु। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।